तो दोस्तों हमारी मसालेदार चटपटी चिकन करी बनकर तैयार हो चुकी, बिल्कुल मसालों में लथपथ पक चुकी। तो अब हम इसको एक फिश के साथ में ट्राई करते हैं, खा के बताते हैं आपको कैसा स्वाद आ रहा है। तो दोस्तों हमारी मसालेदार चटपटी चिकन करी बनकर तैयार हो चुकी, बिल्कुल मसालों में लथपथ पक चुकी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी मसाला टेस्ट करके देखेंगे और बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा आ रहा है। दोस्तों ग्रेवी में तो काफी अच्छा स्वाद आ रहा है और जो मसाले डाले थे हल्के फुल्के उसका हल्का हल्का स्वाद निकल के दे रही है। तो अब हम इसको एक फिश के साथ में ट्राई करते हैं, खा के बताते हैं आपको कैसा स्वाद आ रहा है। गरम काफी है, मसाले में लगाए गए, दोस्तों स्वाद तो काफी अच्छा आ रहा है और काफी अच्छा निकाल के दे रही है हमारी ये
रेसिपी स्वाद, और एक बार खाएंगे। दोस्तों खाने में कुछ इस प्रकार से इसका स्वाद आ रहा है, ना ज्यादा तीखी हुई है ना ज्यादा फीकी हुई है, मतलब मीडियम क्वांटिटी में मसाले डाले थे उसका मीडियम क्वांटिटी में स्वाद आ रहा है। और एक फिश के साथ में ट्राई करते हैं। दोस्तों इसमें हल्का अदरक और हल्का लहसुन का, जो हमने इसको अच्छे से तेल में तल लिए थे, उसका भी काफी अच्छा स्वाद निकाल के दे दी। अब इसके पैर के ऊपर वाले भाग का टेस्ट करते हैं, खाकर बताते हैं। इसमें हड्डी के नाम पर सिर्फ चमड़ी रहती है, मांस के नाम पे। तो खाने में ज्यादा ही काफी टेस्टी लगी है अली फिश, और काफी अच्छी हुई। अब हम इसे रोटी के साथ में ट्राई करते हैं कि इसके साथ में कैसा ऐसा टेस्ट आ रहा है। मसालों में लगाएंगे और स्वाद लेंगे। दोस्तों रोटी के साथ में चावल से भी अच्छा टेस्ट निकाल के दे दिए। जैसे हम इसके साथ में यदि चावल खाने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी इतना अच्छा स्वाद नहीं आता जो कि रोटी में आ रहा है। एक फिश लेके रोटी के ऊपर खा कर बताते हैं, लाजवाब स्वाद आ रहा है, खाने में काफी मजा आ रहा है। तो ये था हमारी आज की रेसिपी में, जो कि हमें खाने में काफी मजा आया और काफी अच्छा स्वाद निकाल के दी।